नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में विधानसभा सत्र की। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। इस पूरे सत्र को लेकर बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज शुरुआत हो गई। आज से यानी कि सोमवार से शुरू हुए विधानमंडल के सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। यह सत्र छोटा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हंगामा होने की बात कही जा रही है। सत्र से पहले दिन सीएम नीतीश कुमार जब सदन पहुंचे तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने गुलदस्ता देकर उन्हें स्वागत किया। वहीं विधान परिषद में भी कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वागत किया। इससे पहले लोजपा विधायक दल का जदयू में विलय का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। इसके बाद दो राजकीय विधेयक पेश किए गए। इसके बाद दिवंगत आत्माओं का शोक प्रकाश हुआ। वहीं फिर कोरोना से डॉक्टर व अन्य कोरोना योद्धाओं का श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूरा सदन एक मिनट तक मौन रखकर सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले पहले दिन का विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही माले के विधायकों ने खड़े होकर पिछले सत्र में विपक्षी नेताओं का मुद्दा उठाया, उनकी पिटाई को लेकर मामला उठाया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान माले विधायक इस पर भी चर्चा की मांग कर रहे थे। माले विधायक की मांग के बीच में स्पीकर विजय सिन्हा ने उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहा। पिछले सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा के अंदर विधायकों पर हमले के खिलाफ विपक्ष के कई विधायक काला मास्क और हेलमेट पहनकर पहुंचे। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें सदन में आने में डर लगता है, इसलिए हेलमेट पहनकर आए हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट के बाद तेजस्वी यादव सीट पर खड़े होकर एक प्रस्ताव रखना चाहते थे। इसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है, कल आप अपना प्रस्ताव दीजिएगा। इस पर विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और आसन की तरफ उंगली उठाने लगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सीट पर खड़े हुए विपक्षी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन में अमर्यादित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसन का सम्मान करना सबका दायित्व है। विधानसभा अध्यक्ष के तल्ख तेवर के बाद विपक्षी विधायक अपने आसन पे बैठ गए। ये देखिए वीडियो, कैसे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों को तेज और तीखी टिप्पणी की है। सदन में रखना चाहते हैं महोदय, उसकी कल अब शोक प्रस्ताव शुरू हो जाएगा। एक बार अपनी बात को रख लेने दीजिए, प्रस्ताव रख लेने। सुनिए ना, अब ये प्रस्ताव को कल रखिएगा, शोक प्रस्ताव। आप भी तो पुराने सदस्य हैं, शोक प्रस्ताव के बाद कल मौका मिलेगा ही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कल, नहीं अब कल बैठिए, कल पहले सूचना दे देते तो हम आपका भी जोड़ लेते, आपका सूचना। अब सुनिए माननीय सदस्य, बिना आसन की अनुमति के कोई खड़े न हो न बोले जब नेता प्रतिपक्ष बैठिए। आप बैठिए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप बैठिए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, थोड़ा सा सम्मान करिए। एक चीज बता देते हैं माननीय सदस्य, एक तरफ हम लोग संकल्प लेते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और दूसरे तरफ सभी माननीय सदस्यों के द्वारा इस आसन को सम्मान और विश्वास व्यक्त किया गया है, और इस आसन की गरिमा गिराने वाले एक सिंगल सदस्य या दो चार सिंगल सदस्य को आसन स्वीकार कभी नहीं करेगा। और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं बोल रहे हैं तो फिर उठ गए, क्या इस सक्षम नहीं अपनी बात कहने में कि चार लोग सपोर्ट करेंगे इनको? और हमने कहा कि ये अगर जो पहले से दिए रहते तो मैं इनको भी अवसर देते। अध्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, प्रस्ताव रख लेने दीजिए, बाद में कल विचार करके आप दीजिएगा, कल आपका प्रस्ताव को हम लोग लेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।